नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएल न्यूज़। छात्रवृत्ति न मिलने पर छात्रों का आरोप। अयोध्या में समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति को नियम विरुद्ध रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने रोष व्यक्त किया है। बभूति प्रसाद स्मारक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनकी छात्रवृत्ति 75% से कम उपस्थिति दिखाकर रिजेक्ट कर दी जा रही है, जबकि महाविद्यालय के प्राचार्य ने इसको लेकर शपथ बयान देते हुए एफिडेविट समाज कल्याण विभाग को दिया है, जिसमें सभी की उपस्थिति 75% से अधिक दिखाई गई है। समाज कल्याण विभाग के सामने रोष व्यक्त कर रहे छात्र छात्राओं ने यह बताया है कि वह सुबह 7 बजे से विभाग के सामने खड़े हैं। दोपहर होने को है, परंतु कोई उनके सुनने वाला नहीं। छात्रवृत्ति रिजेक्ट को टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं। कुछ ने कर्जा लेकर फीस जमा की है, ऐसे में सभी को छात्रवृत्ति की अति आवश्यकता है, परंतु इसके बाद भी उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अभी इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा है, जिसको लेकर वह लगातार समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, परंतु इसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। एडीएम वित्त व राजस्व विभाग के गोरेलाल शुक्ला ने बताया है कि छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने का प्रकरण सामने आया है। जिला समाज कल्याण विभाग से बात करेंगे, पूछेंगे छात्रों की छात्रवृत्ति अभी तक क्यों नहीं आई। वहीं कहा डीएम की तरफ से जानकारी कराई जाएगी। हम लोग का ये कहना है कि ये बताया गया था कि स्कॉलरशिप के लिए जिसका फॉर्म रिजेक्ट इसलिए करा जा रहा है, जो 75+ देन है कि जिसका 75% से कम अटेंडेंस है उसकी ही रिजेक्ट कर दी जा रही है। अगर डीएम का आदेश ये तक रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो ये बताइए वेरीफाई कैसे हुआ। ठीक, यहाँ वेरीफाई है, ये हम सबका है, यहाँ पर रिजेक्टेड YDWO बता रहा है, यहाँ पर इसका भी यही दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग का रिजेक्ट है, इसका दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वेरीफाई कर दिया गया, तो ये क्यों? बस हम लोग को इसी बारे में बात करना है। और जब पूछा गया तो कह रहे हैं डेटा इधर उधर हो गया था, इसी वजह से उन लोग का वेरीफाई हो गया। नोट पाए हैं ना, डेटा इधर उधर नहीं हुआ, नोट पाए हुए इसलिए ऐसा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? और सुबह 7 बजे से हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं, जो रिजेक्टेड है उसको करिए, हमारा स्कॉलरशिप दीजिए, क्योंकि हम लोग परेशान, किसी के माता पिता कैसे पढ़ा रहे कैसे नहीं पढ़ा रहे, कोई कर हाँ जिला समाज कल्याण अधिकारी में हम लोग वहाँ गए, वहाँ से भगाए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं, यहाँ नहीं होगा, जाइए आपका जमा भी कर देंगे, तो कूड़े के भाव जाएगा आपका कागज, ये कहा जा रहा है कूड़े भाव। लेते समय कोई नहीं देखता है कि हम लोग का 41,000 कहाँ गया, ये 1,00,000 कहाँ गया, उससे ज्यादा कहाँ गया, लेकिन ये चीज देखा जा रहा है कि रिजेक्ट कैसे करना है। बस हमारी तो सुबह 7 बजे आए, पहले गए डीएम आवास, ठीक है, मतलब डीएम ऑफिस गए, उनसे बात किया गया, उनसे ये कहा गया कि ये सुनिए ऐसी सी बात है, तो उन्होंने कहा हम यहाँ से कर दे रहे हैं, वहाँ जाके आप करा लीजिए। वहाँ गए तो हम लोगों के पास एक कागज था, नीरस वाला कहा किसके पास से कागज, नीरस वाला कागज दिखाया गया कि डीएम के पास से ये आदेश है कि इसको निरस्त करना है, तो अगर आपको निरस्त करना तो आपने वेरीफाई क्यों किया, वाला कागज कहाँ गया, ये वेरीफाई कुछ बच्चों का क्यों किया। और जब वहाँ पूछा गया वहाँ अधिकारी के पास जाकर के, तो वो कह रहे हैं डेटा ऊपर नीचे हो जाने पे वेरीफाई हो गया, ये कोई बात नहीं हुई, या तो आप नोट लियो तब वेरीफाई की हो, या तो आप फ्यूचर से खेल रहे हो, या फिर यही चीज बात। हम लोग का सिर्फ इतना सा कहना है, जो रिजेक्टेड है क्यों रिजेक्टेड है, कितने कितने बच्चे होंगे लगभग, ये देख रहे हैं आप, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, सबका, इसीलिए सब लोग आए निजी विद्यार्थी, कुछ नहीं कहा जाइए वापस कर दिया जी, अभी भी जब हुआ हमने कहा जाइए। हाँ, जिनसे अभी बात हुई वो कह रहे हैं हम जान नहीं रहे आप कागज कहाँ दिए हैं, जो कि हम लोग सुबह कागज दिया है, मिल कर गए हैं तो कह रहे हैं हमें कागज नहीं मिला है, और कल बताइए बच्चों का एग्जाम है, यहाँ हम लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पर वो कर दिया गया सर, रिजेक्टेड कर दिया गया। और रही बात सर इन लोगों के टेक्निकल फॉल्ट है ना, पूरा पूरा एक का आ जा रहा है, आने के बाद फिर से दिखा रहा है कि तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है, 5,000 रुपए कुछ का आ गया, सबका आ गया, कुछ कुछ आ गया, उसके बाद रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है सर, हम सब यहाँ एग्जाम दे के यहाँ धरना दें, एक बार हो सकता है सर 100% पूरी पूरी सबका बर्बाद कर दिया, और सर 8,000 रुपए हम सब किसी तरह से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी से मिले क्या आश्वासन दिया, अभी मिलने का काम होगा, मिले सर, हम सबको इधर इधर जाओ उधर जाओ, ज्ञापन के लिए तो गए थे सर, अभी कहाँ सर पूरा लाइन लगी, इसके लिए भी ऐसे दौड़ाएंगे हम सब, दिन भर दौड़ते ही रहे सर, पढ़ेंगे कल, क्या मांग करते हैं? मांग करते सर कि चीज़ों का सर हर चीज़ को पहली बात तो टाइमली करें, और हम सबके एग्जाम के रिलेटेड समस्याएं जो है उसको भी दूर करें। राजेश सिंह, छात्रवृत्ति का प्रकरण है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से बात करते हैं कि इनकी छात्रवृत्ति अभी तक क्यों नहीं मिली है, वो मैं उनसे बात करके और डीएम साहब की तरफ से भी उनसे जानकारी कराते हैं कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली, ठीक है, ये कराते हैं, जो उन्होंने ज्ञापन दिया उसको ले लिया और उसकी तुरंत जाँच कराते हैं। ठीक,